बीच में है रविशंकर जी, जो सफाई आयोग के सदस्य हैं, हमारे बीच में आइए उनसे हम बात करते हैं कि जो एट्रोसिटी का जो मामला है, जो अत्याचार उत्पीड़न का जो मामला था, उस संदर्भ में हम बात करते हैं, फिर मजदूरों के बारे में बात करेंगे। रविशंकर जी, आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद रविशंकर जी। आज जो देश की वर्तमान हालत है बहुत नाजुक है, क्या कहेंगे देश की वर्तमान हालत पे? देश की जो अर्थव्यवस्था और दलितों के साथ जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है वो किसी से छुपी नहीं है। अभी 20 मार्च को जो एक दलितों के ऊपर एक जो प्रहार किया है इन्होंने, वो कोई छोटा प्रहार नहीं है, बहुत बड़ा प्रहार है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये स्वीकार किया है कि 11,060 मुकदमे दर्ज हैं एट्रोसिटी के, और उसमें से 900 जो मुकदमे थे वो फेक मुकदमे। अगर परसेंटेज को देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की जो गणना है, जो मानना है, उस परसेंटेज के हिसाब से ये 7% भी केस झूठे साबित नहीं हुए। फिर ये किस आधार पे इस एक्ट को फेर बदल करने की जरूरत पड़ गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट को खुद ये माना है कि 11,060 मुकदमों में से 950 मुकदमे जो है फेक हैं और बाकी सब सही है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि उन्हें ऐसा कोई चेंज करना चाहिए था, जबकि यही एक ऐसा कानून है जो दलितों का अधिकार और दलितों के रक्षा सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसी के विरोध में संपूर्ण दलित समाज, पूरा भारत बंद करा 2 अप्रैल को, और पूरा दलित समाज एक समूह के अंदर एक आवाज़ में पूरे भारत में सभी अपने अपने समूह के साथ एक साथ इस विरोध में भारत बंद का विरोध किया, जिसकी सबसे पहले आवाज़ विरोध की दिल्ली सरकार के अंदर से विधानसभा में उठाई गई। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने इस आवाज़ को उठाया, इस एट्रोसिटी की आवाज़ को उठाया कि ये गलत हुआ है, और हमारे माननीय मंत्री दिल्ली सरकार के एसटीएससी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस आवाज़ को उठाया, विधानसभा में रखा और इसको गलत साबित किया। तो पूरे देश में कहीं से भी ऐसी आवाज़ नहीं आई। 131 सांसद जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं लोकसभा में, उन्होंने भी ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये गलत हुआ है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आवाज़ उठाई और माननीय मुख्यमंत्री ने आवाज़ उठाई कि दलितों के साथ, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, पूरे देश के वर्ग के साथ ये गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये गलत निर्णय है, इसको वापस लेना चाहिए, और उसके निर्णय को वापस लेने के लिए सभी लोग हम 2 अप्रैल को बंद में आए। लेकिन हुआ क्या कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इन्होंने जो है उग्र बना दिया, और कुछ बच्चों को, हमारे को जो है वो जेलों में डाल दिया गया, जो कि गलत हुआ है। हम फिर अपने आपके चैनल के माध्यम से, एसएम न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब एकता की ज़रूरत है, एकता का भाव की ज़रूरत है, और अगर कोई इस आवाज़ को उठा रहा है तो हमें उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला के बुलंद करना चाहिए, क्योंकि ये सर्व समाज की आवाज़ है, ये सर्व समाज के ऊपर प्रहार है, सारे अनुसूचित जनजातियों के ऊपर प्रहार है, ये गलत हुआ है। और बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार मिल के ऐसा शोषण कर रही है, ये शोषण है, और उसके बाद जितना इस एक्ट को बदलने के बाद जितना शोषण और बढ़ गया है बीजेपी शासित राज्यों में, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपने न्यूज़ पे भी आप देखा होगा, तो ये गलत है। रविशंकर जी, एट्रोसिटी के मामले में उन्होंने बताया है कि ये इसमें नाजायज तरीके से फंसाया जाता है, लेकिन जिनके पास उत्तर प्रदेश के अंदर 100-100 मुकदमे हैं, 105-105 मुकदमे हैं, जिन पर 376 लगी हुई है, 302 लगी हुई है, 506 लगी हुई है, मतलब इस तरीके के मुकदमे उन पर आज भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हम इनको सबको वापस कराएंगे। नहीं, ये देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी और आरएसएस की मिली भगत है कि जो इतने जघन्य अपराध हैं और जो पूरे भारत में बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार एक सबसे जघन्य अपराध है, छोटी छोटी बच्चों के साथ हो रहा है, उसकी तरफ किसी ने ना सोचते हुए, उस तरफ ना देखते हुए, उस कानून को ना बढ़ाते हुए, एक इस भारत के जो दलित वर्ग है उनके लिए एक कानून बना हुआ है, उसमें संशोधन करने की इनको आवश्यकता क्या पड़ेगी, जबकि इनको उन कानूनों में संशोधन करना चाहिए, उनको बल्कि और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर डर बैठे, बल्कि ना कि लोगों के ये बैठे कि हमारा कोई मुख्यमंत्री हमारे साथ है या कोई
पीएम हमारे साथ है या कोई सांसद हमारे साथ है या कोई एमएलए हमारे साथ है, इन अपराधों को कम करने के या सख्त करने के, इनको कम करने के लिए कोई सख्त कानून बनाना चाहिए, उस वे में ना जाके बल्कि इस वे में आके काम करना, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल एक अपराध कहूँगा मैं तो, कि एक दलित वर्ग के लिए इन्होंने अपराध किया, प्रहार किया है। ये कहते थे कि जब हम सत्ता के अंदर आएंगे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम रेगुलाइज करेंगे, लेकिन जब से ये सरकार आई है कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने लोगों को रेगुलर करा, और मैं खासतौर से बात करूँ जो सफाई का जो काम है वो 100% उसमें कोटा होता था, आज वो भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ठेकेदारी की तरफ बढ़ा दिया और अधिकतर ये सफाई कर्मचारियों का ठेका बड़े पैमाने पे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि संविधान में सफाई कर्मचारियों के काम को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून है, ऐसा प्रावधान है उसमें, और अगर ये ऐसा करेंगे तो अभी इन्होंने देख लिया था कि सफाई व्यवस्था पूरी दिल्ली में बंद करी गई थी और लोग सड़कों पे आ गए थे, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने हड़ताल करी, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी और इनकी जड़ें उखड़ जाती, रातों रात इन्होंने जो है जो मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों को 2017 तक कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया, जब इनको लगा कि यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रस्ताव पेश हो गया तो इनको लगा कि हाँ हम कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, रातों रात इन्होंने झूठी वादे पूरे करके और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के मेंबर के साथ मिलके, मेयर के साथ मिलके और अपने स्टैंडिंग कमेटी के साथ मिलके रातों रात उनको क्या घुट्टी पिलाई, उनको जूस पिला के उठा दिया, ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। लेकिन हम कहना चाहेंगे, मैं सफाई कर्मचारी आयोग का मेंबर हूँ, कि सफाई कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का भी धोखा, किसी प्रकार का भी उनका हनन नहीं होने देंगे। लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट हैं या गली मोहल्ला है जहाँ से वो रिटायर होते हैं या जहाँ से उनको हटाया जाता है, लेकिन वहाँ पुनः सरकार की तरफ से नहीं आते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से आते हैं, ठेकेदारों के द्वारा आते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे। देखिए, ऐसा जो है हमारी यूनियनों के माध्यम से पूर्ण जोर पे इस पे आवाज़ उठाई जाती है, आयोग की तरफ से भी आवाज़ उठाई जाती है और उठती रहेगी। जहाँ तक जितना हमसे होता है हम ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो रिटायरमेंट होते हैं उनकी जगह भी सफाई कर्मचारियों को ही, जो जिनकी जो सीनियरिटी के हिसाब से उनको पक्का किया जाता है, जो एक कानून है उसी में उनको हम लाते हैं, और ऐसे कहीं पे भी छोटे मोटे किसी का मैं कह सकता हूँ किसी बिल्डिंग में कोई ठेके व्यवस्था पे कोई सफाई कर्मचारी काम कर रहे होंगे, लेकिन एमसीडी रविशंकर जी स्कूलों में भी हैं और जितने सरकार के द्वारा जो डिपार्टमेंट है या दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में उनमें अधिकतर प्राइवेटाइजेशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनमें नौकरी तो करने के लिए सभी तैयार हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जो उन्हें काम करना चाहिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं नौकरियों में उनका नाम चल रहा है लेकिन काम जिनका है और जिनको मानते हैं उनसे काम करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करता है। नहीं सर, वो मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन क्योंकि जिस डिपार्टमेंट के अंदर एक शर्मा जी, गोयल जी, वर्मा जी उसमें सिलेक्ट हो गए लेकिन वो काम न करके कुछ पैसों से दूसरों से काम करवाया जाता है। नहीं नहीं, उन्हें काम करना चाहिए, सफाई का तो एक सेवा का काम है, शर्मा हो वर्मा हो कोई भी हो उन्हें काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सफाई तो सेवा है। आप देख सकते हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी के जो एमसीडी के वर्कर हैं, जब तक दिल्ली उठती है सो के, जब तक दिल्ली का पूरा कूड़ा बाहर हो जाता है, मैं तो उनके काम को सैल्यूट करता हूं। सर, वो ईमानदार से काम करें, मेरा जो कहना है आप समझे नहीं कि इस पद पे, सफाई के पद पे तो सभी लोग नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कई जोनों के अंदर देखा है, मतलब कागज उनके नाम से लेकिन काम और उसे कराया जा रहा है। इस मुहिम को भी मैंने चला लिया है जैसे आपने मुझे बताया है, ऐसी और भी सर ये सारे में ऐसे काम चल रहा है, ऐसे यूनियन के माध्यम से भी पता चला है मुझे, तो मैं वो मुहिम चलाने वाला हूँ कि भाई कहाँ कहाँ सफाई कर्मचारी के पद पे, सफाई कर्मचारी के पद पे कोई भर्ती हुआ है और वो वहाँ पे अफसर बनके या बिल क्लार्क बनके काम कर रहा है, मैं वो सब चेकिंग करना शुरू कर रहा हूँ और अगर ऐसा पाया जाएगा तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा और सफाई कर्मचारी के अधिकार और को मैं कभी भी जो है ना निरस्त नहीं होने दूँगा, मेरा ऐसा वादा है। धन्यवाद सर।